जनपद संभल के चंदौसी के अधिवक्ता चंदौसी बार एसोसिएशन, चंदौसी के जिला बार एसोसिएशन के निर्विरोध कनिष्ठ खंड उपाध्यक्ष तथा ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए। जनपद संभल के चंदौसी बार एसोसिएशन, चंदौसी की जिला बार एसोसिएशन के लिए चंदौसी की कचहरी में बैठने वाले दो अधिवक्ताओं इक्तेदार पाशा तथा बलराम सिंह का उपाध्यक्ष कनिष्ठ खंड तथा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद लाइब्रेरी के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इस पर दोनों अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की तथा अधिवक्ताओं को आने वाली समस्याओं को दूर करने की बात भी कही। मेरा नाम बलराम सिंह एडवोकेट है और मैं चंदौसी बार एसोसिएशन चंदौसी जिले की जो जिला बार है उसमें मैं निर्विरोध ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के पद पर चुना गया हूँ। और बार ने और बार के सदस्यों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं एक लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चालू कर सकूँ और चला सकूँ। चूँकि पिछले दौरान काफ़ी समय से हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी आई हुई है जो संचालित नहीं है, जिसका परिचालन नहीं हो रहा है, वो कंप्यूटर वगैरह वैसे रखे हुए हैं और कोई बुक्स नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है इस बार कि मैं उसको सुचारू रूप से लाइब्रेरी चला सकूं और किताबें कम से कम 5,000 किताबें मैं मंगवा सकूं लाइब्रेरी के लिए, ताकि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं वो उनको पढ़ें और जो हमारे जूनियर अधिवक्ता साथी हैं वो काफ़ी उनको पढ़ने की इच्छा है और ज़रूरत भी है, वो उन सब चीज़ों को उनके लिए मुहैया करा सकूँ। बस ये मेरा लक्ष्य है जो मैं करूँगा। आप निर्विरोध चुनाव जीता है, अपने क्या कहेंगे इसमें? हमने निर्विरोध चुनाव जीता है और हमारा कोई विरोध नहीं है, और इस कचहरी के 550 अधिवक्ताओं ने हमें निर्विरोध चुन लिया है और अब हमारा काम कचहरी में अधिवक्ताओं को जो ये खुले में बैठे दिखाई दे रहे हैं इनके लिए चैम्बर मुहैया कराना हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य रहेगा। और जो है बार में काफ़ी सुधार करना है, बार रूम के जो ऊपर का हमें रूम बनवाना है और हमें किताबों वगैरह की इसमें व्यवस्था करानी है। और ये बहुत गड़बड़ चलती है यहाँ कि जो चाहते हैं मनमानी हड़ताल कर लेते हैं, हड़तालों पर अंकुश लगवाना, बिना वजह की हड़तालें नहीं होने देंगे अब हम यहाँ। और हर साल की एक परंपरा रही है यहाँ बार में कि जो इकट्ठा 30-40 लाख रुपये होता है वो अध्यक्ष और सेक्रेटरी जो उसका हवाला नहीं देती, लेकिन अभी ने 1-1 रुपये का हवाला देना होगा। और ये यहाँ के लोगों के जो अधिवक्ता हैं या जो कोई अधिवक्ता गुजर जाता है उसके परिवार के काम में आगा, उनका हम बीमा करवाएंगे उस पैसे से और वो बार की तरफ से उस पैसे को जमा किया जाएगा उनके इंश्योरेंस के लिए। ये हमारा यहाँ लक्ष्य रहेगा।